आज से शुरू हो रहा हरियाणा विधानसभा का सत्र, 22 दिसंबर तक चलेगी सदन की कार्यवाही, 6 बिलों को पेश करेगी सरकार। हंगामे के आसार, 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा सत्र के आगाज से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने की अपने अपने विधायक दल की बैठक, बैठक में विधानसभा सत्र की तैयारियों पर चर्चा। हरियाणा के 5 जिलों में चल रहा बार एसोसिएशन का चुनाव, वकीलों ने शुरू किया मतदान, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। बैंकों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी, करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। 2 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही, 2 बज चुके हैं और विधानसभा के सत्र की जो कार्यवाही है वो शुरू होगी आज। आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे हैं जिस पर आज विपक्ष सरकार को घेरेगा, तो वहीं आपको बता दें कि 6 बिल है जिसको सरकार पेश करेगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, विधानसभा सत्र की शुरुआत आज होगी और 2 बजे का समय निर्धारित किया गया था और कार्यवाही जो है वो शुरू होगी थोड़ी देर में। फिलहाल आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिस पर सरकार को घेरने की तैयारी है, और वहीं सरकार भी खुद को कैसे डिफेंड करेगी इसको लेकर पूरी तरह तैयार है सरकार भी। तो आज से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, 6 बिल ऐसे जो कि पेश करेगी सरकार। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और आज विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले दोनों ही तरफ से तैयारियां की गई। कांग्रेस ने अपने विधायक दल की बैठक की, वहीं बीजेपी ने भी अपने विधायक दल की बैठक की। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर 6 बिल ऐसे हैं जिनको पेश करेगी सरकार, और विपक्ष आज सरकार को घेरने वाला है सत्र में, क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बार कई सारे मुद्दे हैं, महंगाई हो, किसान आंदोलन हो, भर्ती, यहां पर जो भर्ती घोटाला है उसको लेकर भी विपक्ष जो है सरकार को घेरेगा, और साथ ही साथ जो आज का दिन है सत्र का वो हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। पूरी संभावना है कि आज का जो दिन है सत्र का वो हंगामेदार रहने वाला है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी सत्र से लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। सत्र को लेकर आज क्या कुछ चीजें रहने वाली हैं और इस सत्र में क्या कुछ देखने को मिल सकता है, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं, ये आपको जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 2 बजे से सत्र की कार्यवाही जो है वो शुरू होनी है और थोड़ी देर में जो कार्यवाही है वो शुरू होगी। विपक्ष अपनी तैयारियों के साथ और सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों के साथ वहां पर मौजूद होगा। फिलहाल देखना यह होगा कि जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी या फिर आज का जो सत्र का दिन है वो पक्ष और विपक्ष के जो मुद्दे हैं, जो बहस है, उस पर ही आज का दिन निकल जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि सत्र का जो पहला दिन है वो हंगामे के भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि विपक्ष के कई सारे मुद्दे होते हैं जिस पर वो अपना रोष व्यक्त करता है। तो आज भी देखना होगा जिस तरीके से विपक्ष के पास कई सारे सवाल है, खासकर कांग्रेस जिस तरीके से लगातार यहां पर सत्ता पक्ष को, भारतीय जनता पार्टी को तमाम मुद्दों पर घेर रही है, और खासकर की जो भर्ती घोटाला है उसको लेकर लगातार विपक्ष का आक्रामक रुख देखने को मिला है। आज इस सत्र में क्या देखने को मिलेगा ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि आपको बता दें कि कई सारे मुद्दे हैं जिस पर लगातार विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, चाहे वो बात हो महंगाई की या फिर भर्ती घोटाले की, लगातार सरकार को विपक्ष घेर रहा है। और आज इस सत्र में माना यह जा रहा है कि खुद को डिफेंड करने के लिए भी सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरता है और सरकार खुद को कैसे डिफेंड करती है। फिलहाल आपको बता दें कि जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज 6 बिल जो है उनको पेश करेगी सरकार। तो इस दौरान क्या कुछ अहम मुद्दे रहने वाले हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं।
विधानसभा सत्र की तारीख एक दिन और बढ़ा दी गई है। बीएसी की बैठक में ये फैसला जो है वो लिया गया। आपको बता दें कि 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये जो सत्र है वो चलेगा और साथ ही सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो इस सत्र में क्या चीजें रहने वाली है महत्वपूर्ण, ये आपको बता रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान सामने आया है, भर्तियों में धांधली, किसान आंदोलन, ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष घेरेगा। महंगाई और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि ये तमाम मुद्दे जिन पर घेरेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा है ये आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि यहां पर उन्होंने कहा कि तथ्यों और आंकड़ों के साथ देंगे सभी सवालों के जवाब, यानी कि विपक्ष जहां तैयार तो सरकार भी तैयार है। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, विधानसभा सत्र की कार्यवाही 2 बजे शुरू होनी थी, क्या जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है? फिलहाल जो अपडेट है वो जरा दीजिए। जी मालिका, विधानसभा सत्र की कार्यवाही जो है वो 2 बजे शुरू होनी थी और बाकायदा जो है अब सभी विधायक जो हैं वो अब विधानसभा सत्र की तरफ जा चुके हैं और किसी भी वक्त जो है वो कार्यवाही शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल जी, और देखा ये जा रहा था, जैसे कि हम लगातार बात भी कर रहे थे, इससे पहले भी आपसे बात हुई थी कि विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि उनके क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं। किसान आंदोलन, साथ ही साथ महंगाई, बेरोजगारी, भर्ती घोटाले की बात आपने कही थी, तो वही दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि अपने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ हम पेश होंगे। विपक्ष तो तैयार है ही रवि, साथ ही साथ सत्ता पक्ष भी खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार है तथ्यों के साथ। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई, बैठक में तमाम जो है विधायक मौजूद रहे। इस दौरान जब इनसे बातचीत हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरीके से मौजूदा समय के अंदर भर्ती फर्जीवाड़ा मामला हो, महंगाई का मामला हो, खाद वितरण को लेकर आ रही तमाम समस्याओं के मामले हों और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को लेकर जो अकाल की स्थिति बनी हुई थी बीते लंबे समय से, जहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं थी, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो आज गठबंधन की सरकार को जो है वो घेरा जाएगा ताकि इनसे सवाल जवाब लिए जा सके। तो दूसरी ओर जिस तरीके से गठबंधन की सरकार के तमाम विधायकों की बैठक जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आवास स्थान पर हुई थी, तो वहां पे बाकायदा इन सवालों के जवाबों को तैयार किया गया कि किस तरीके से तथ्यों के साथ इन सवालों के जवाब जो है वो दिए जा सके। जी मोनिका, अब रवि इस बीच कौन से वो मुद्दे हैं विपक्ष के पास, हालांकि सत्ता पक्ष की सरकार की खुद की अपनी तैयारी है खुद को डिफेंड करने की, लेकिन कौन से ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिस पर सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर पड़ सकता है? जी सबसे पहले तो सबसे बड़ा मुद्दा जो मौजूदा समय के अंदर है वो है एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा, जिसको लेकर सभी विपक्षी दल जो है वो लगातार गठबंधन की सरकार पर जो है वो हमलावर बने हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा जो बयान दिए जा रहे थे लगातार कि ये सरकार जो है पारदर्शिता के साथ जो है वो नियुक्तियां करेगी और तमाम तरह के प्रबंध जो है वो किए जाएंगे, लेकिन धरातल पर ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा जो घोटाले जो है वो अग्रसर होते हुए नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक घोटाला जो है वो लगातार सामने आ रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पूरे भर्ती फर्जीवाड़े की जांच जो है वो हाईकोर्ट के सिटिंग जज या फिर सीबीआई से करवाई जाए ताकि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई की जा सके। साथ ही उनका एक और तथ्य ये भी है कि जो डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर थे, उनके कार्यकाल के दौरान जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों की भी निष्पक्ष तरीके से जांच हो ताकि इस पूरे भर्ती फर्जी वाले मामले से निजात मिल सके। जी जी रवि, अगर बात करें बिल के पेश करने के, तो वो 6 बिल हैं जो कि पेश करेगी सरकार, कौन कौन से वो बिल रह सकते हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले जिस तरीके से बिलों की बात की गई थी, जो सरकार की तरफ से 6 बिलों की पेशकश की गई थी, जिसके अंदर बहुत सारे बिलों की बात हुई थी, जिसके अंदर जो है वो पंचकुला को लेकर, साथ ही साथ पंचकुला के मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर जो है बिल की बात हुई थी। इसके अलावा 2-3 बिल और थे जिनको लेकर भी लगातार जो है वो बातचीत चली आ रही थी और इन बिलों को पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से। लेकिन उससे ठीक पहले जिस तरीके का जिस तरीके से हमलावर जो है वो विपक्षी दल दिखाई दे रहे हैं, तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जो बिल जो सरकार प्रस्ताव लेकर आएगी वो प्रस्ताव जो है वो विधानसभा सत्र के आखिरी दिन में जाकर जो है वो प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं। जी मानिका बिल्कुल, रवि तैयारी सरकार की पूरी है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है जब भी सत्र का पहला दिन होता है तो वो हंगामे की भेंट चढ़ता है। इस बार क्या आसार नजर आ रहे हैं, क्या जो मुद्दे हैं आम जनता के, सरोकार के, क्या उन पर चर्चा होगी, जो बिल पेश करेगी सरकार उस पर चर्चा होगी या फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगा, क्या संभावना है फिलहाल आज की?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से विधानसभा सत्र के शुरू होने से ठीक पहले विपक्षी दल जो है वो विधानसभा के बाहर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर चाहे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से युवा यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा जो है वो लगातार वो भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरी ओर इनेलो की बात करें तो इनेलो की छात्र इकाई के अध्यक्ष जो है करण चौटाला, उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल को, जिसके मद्देनजर उन्होंने ये मांग की है। रवि शुक्रिया आपका तमाम अहम जानकारी के लिए। वही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खास बातचीत किया हमारे सहयोगी रवि चंदेल ने, क्या कुछ बातचीत किया आपको सुनाते हैं। की बैठक खत्म हो चुकी है और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सर ये बताएं कि किन मुद्दों को जो है मुख्य रूप से जो है इस विधानसभा सत्र में उठाया जाएगा। सारे मुद्दे उठाएंगे हम, अभी है 4 दिन का सेशन है तो सब मुद्दे उठाएंगे, जैसे बेरोजगारी का है और बहुत सारे मुद्दे हैं हम उठाएंगे। सर ये बताएं कि जो भर्ती फर्जीवाड़ा मामला है मुख्य रूप से वो बहुत इस समय सुर्खियां भी बटोर रहा है और लगातार जो है विपक्ष उसके ऊपर अतिके हमला भी बोल रही है गठबंधन की सरकार पर, तो वहीं गठबंधन की सरकार भी लगातार इस बयानबाजी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, किस तरीके से देखते हैं क्या यार खुला जो बचा है हरियाणा में नौकरी जैसे परचून की दुकान पर सामान बिकता है इस तरह बेची जा रही है जी। सर ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने कहा कि इस बार के विधानसभा सत्र के दौरान जोर शोर से एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा मामलों को उठाया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आपने बात सुनी, उन्होंने बताया कि 4 दिन का सेशन है और उनकी क्या कुछ तैयारी है, कई सारे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को विपक्ष जो है वो घेरेगा और खासकर की भर्ती घोटाले की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि किस तरह की तैयारी उनकी है। हम ये चाहते हैं कि जो तमाम चीजें हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, उन पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो इसी पर हमारे सहयोगी रवि चंदेल ने बात की थी नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो तैयार है तमाम सवालों के साथ और सरकार से वो अब इन तमाम मुद्दों पर जवाब चाहते हैं। तो आज इन्हीं सवालों के साथ, इसी तैयारी के साथ विपक्ष सत्र में मौजूद और आज देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से क्या कुछ कार्यवाही देखने को मिलती है सत्र की। फिलहाल जो संभावना नजर आ रही है, जो आसार नजर आ रहे हैं वो आपने देखा कि किस तरीके से जो तमाम मुद्दे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया, उनके जो तमाम मुद्दे हैं उस पर आज घेरने की तैयारी है सरकार की। और इससे पहले हमने आपको बताया कि जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने भी बताया था कि वो भी पूरे तरीके से तैयार हैं तथ्यों के साथ और जो तमाम चीजें हैं आंकड़ों के साथ वो भी तैयार हैं अपनी बात को रखने के लिए। अगर सरकार के सवाल तैयार हैं तो अगर आपकी जगह विपक्ष के जो सवाल हैं वो तैयार हैं तो सरकार के भी जवाब तैयार हैं, वो भी तथ्यों और यहाँ पर आंकड़ों के साथ। तो देखना होगा कि क्या कुछ देखने को मिलता है विधानसभा सत्र के आज पहले दिन, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि हंगामेदार रहने के आसार हैं पूरे पूरे आज के दिन के और 4 दिन का ये सेशन है। तो आज जिन 6 बिलों के पेश करने की जो बात है सरकार द्वारा, उस पर चर्चा होती है या नहीं होती है, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उस पर बात होती है या नहीं होती है, ये भी देखने वाली बात रहेगी। वहीं कांग्रेस विधायक से बातचीत की है हमारे सहयोगी रवि चंदेल ने, क्या कुछ बातचीत की है ये आपको सुनाते हैं। शमशेर सिंह गोगी जिससे बातचीत की है, चलिए आपको सुनाते हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है और इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। सर क्या कुछ चर्चा रही, किस मुद्दों पर चर्चा होगी इस बारे में बताएं। ये सभी मुद्दों पे जितने भी आज के दिन इस सरकार के अंदर लूपोल है, जितनी भी कमियां हैं वो सबको उठाया जाएगा। जैसे एचपीएससी एचएससी का मुद्दा बहुत ज्वलंत है, वो भी उठाया जाएगा। और उससे भी एक बड़ा मुद्दा है कि जानबूझ के सरकार ने खाद की शॉर्टेज कर रखी। पहले गेहूं बोने का टाइम था तो डीएपी नहीं थी, आज यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं है, किसान दर दर भटक रहा है और सोसाइटियों में तो ना भेजो, प्राइवेट में भी नहीं है। तो इसलिए एक षड्यंत्र के तहत किसान को मारने का काम जो है सरकार कर रही है। और ये सारे मुद्दे जो हैं, इसके अलावा महंगाई का मुद्दा है, जो पहले पेपर लीक हुए इतने घपले हुए हैं उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं है, तो सारे मुद्दे उठाएंगे। बाकी हमारे हलके के भी बहुत सारे समस्याएं हैं, वो भी उठाएंगे।
यूथ कांग्रेस जो है वो आज विधानसभा का घेराव करने जा रही है, बाकी अन्य विपक्षी दल भी घेराव कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? क्या आप विधायक, जब कांग्रेस के विधायक वहां पहुंचेंगे तो किसी अनोखे तरीके से जाएंगे या नॉर्मल जिस तरीके से जो है विधानसभा में प्रवेश किया था उसी तरीके से प्रवेश करेंगे? हम तो जैसे जाते हैं वैसे ही जाएंगे। यूथ कांग्रेस का अपना काम है, वो कर रही है, अच्छा काम कर रही है। भाई यूथ कांग्रेस को करना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए, विपक्ष में है तो विपक्ष का काम ही है भी सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर करे। तो यूथ कांग्रेस अगर प्रदर्शन कर रही है तो अच्छी बात है। गठबंधन की सरकार ने भी आज विधायकों की बैठक बुलाई हुई है, वो भी डिफेंस के तौर पर बाकायदा कोई दलील पेश करेंगे, उससे निपटने के लिए क्या कुछ जो आज की रणनीति रही इसमें विशेष तौर पर किस तरीके से घेरने का प्रस्ताव? रणनीति है लेकिन उसको पहले ही खोल दूंगा तो उनको पता नहीं लग जाएगा, अंदर ही खोल लेंगे सारी बात। जी जी, एक अंतिम सवाल सर, अभी बहुत से कुछ एक विधायक जैसे किरण चौधरी की बात करें, शैली की बात करें या फिर कुलदीप बिश्नोई की बात करें, नदारद थे इस बैठक से, किस तरीके से देखते हैं? नहीं नहीं, वो आ रहे होंगे, आज पहले दिन शुरुआत है तो हो सकता थोड़े लेट हो गए हों, ऐसी कोई बात नहीं है, सब एकजुट होके बिल्कुल पूरे जोर शोर से बीजेपी का असली जो चेहरा है वैसे तो लोगों के सामने आ गया। अब पाप बख्शाने के लिए बेचारे गंगा में डुबकी लगाते फिर रहे सारे, ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद भी कबीर साहब कहते हैं भी नावन चले तीर्थी मन खोटे तन चोर, एक पो लत्था नात्या ते सौ पो चढ़िया। और तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने कहा कि एक बाकायदा जो है एक फहरिस्त जो है वो विपक्ष द्वारा तैयार की गई है कि किस तरीके से किन किन मुद्दों पर जो है सरकार को घेरा जाए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन। तो वही कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल से भी हमारे सहयोगी ने रवि चंदेल ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। सभा शीतकालीन सत्र से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल। हम सबसे पहले ये बताएं कि किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो सरकार को घेरने का इस बार प्रयास किया जाए। देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने सीएलपी की मीटिंग इस विधानसभा के सत्र से पहले कई बार ली और आज भी ली। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सरकार हर क्षेत्र में पूरी तरह से फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी और जजपा ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाने की बात कही थी जो उन्होंने नहीं बनाया। मैं समझती हूँ हर वर्ग आज सरकार से परेशान है, इसलिए हमने ये तय किया है, खास तौर से बेरोजगार युवाओं के साथ जो भद्दा मजाक किया जा रहा है, बार बार जो है पेपर लीक हो रहे हैं, एचपीएससी और एसएससी में कितने बड़े घोटाले हो रहे हैं, पर्ची खर्ची और अटैची बिल्कुल एचपीएससी के दफ्तर में ही पाई जा रही है, उसके बावजूद जो है किसानों के साथ क्या हुआ, इतने देशद्रोह के मुकदमे बने और इतने 700 किसानों की शहादत हो गई और इन्होंने कहा कि कानून तो चाहे कुछ हो जाए वापस नहीं हुए। देश के प्रधानमंत्री ने क्षमा याचना करते हुए वो कानून वापस भी लिए। तो हम चाहते हैं कि सभी किसानों को जो है शहीदी का दर्जा भी दिया जाए, उनको रोजगार दिया जाए और ऑबिचुरी में उनको शामिल भी किया जाए। इसके साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है, रोज रोज चोरी की, डकैती की, लूटपाट जो है, मर्डर केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ बहुत बड़ा एक अपराध है होता जा रहा है लगातार। और हमारा किसान है, युवा है, गरीब है, दलित है, व्यापारी है, हर वर्ग परेशान है। किसान डीएपी की खाद को लेकर परेशान है, फिर युवा को यूरिया को लेकर परेशान है, लाइनों में उनको लगना पड़ा, पहली बार हुई यूरिया और डीएपी की जो है वो लूट हुई और केसेस दर्ज हुए। तो मैं समझती हूँ पानी और एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से जो फसल खराब हुई उसकी स्पेशल गिरदावरी नहीं हो पाई और वाटर लॉगिंग की वजह से ना पिछली फसल बोई ना अगली फसल जो है इस समय बोई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और गाँव में, ग्रामीण अंचल में विशेष तौर से आज हमारे जो नंबरदार हैं वो लामबंद है, एक नोटिफाई करके कर दिया है कि नए नंबरदार और सरबराह जो है उनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो सभी के हितों पर कुठाराघात करने का जो सरकार ने काम किया है, पूरी तरह से हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे। विधानसभा सत्र से ठीक पहले जो है विपक्ष, चाहे हम कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, लगातार जो है वो विधानसभा का घेराव करने का प्रयास कर रहा है। मौजूदा समय में भी वहां पे घेराव जो है वो बाकायदा किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपे गए हैं, आपकी तरफ से भी सौंपे गए हैं, कांग्रेस की तरफ से भी सौंपे गए हैं और आज जो है वो इनेलो की छात्र इकाई द्वारा भी सौंपे गए, किस तरीके से देखते हैं इस भर्ती फर्जेवाड़े को? देखिए, इस सरकार की नीयत में खोट है, हमें इनकी तो नियत पर ही शक होता है। ये नहीं चाहती कि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिले। 28 से ज्यादा पेपर लीक हुए, एसआईटी की गठन की बात कही, जांच की बात करी, निकल कर क्या आया, डबल सिफर। और अब जो है, अब ये कह रहे हैं कि हम बड़ी ही ईमानदारी के साथ भर्ती हम लोग कर रहे हैं, कोई पर्ची खर्ची नहीं है पिछली सरकार को। इनके तो दफ्तर में केवल मात्र एक एचएस ऑफिसर को टर्मिनेट करने से क्या जो इनके ऊपर
प्रदेश के ऊपर जो दाग लगा है एचपीएससी और मुख्यमंत्री और पूरे सरकार पर जो दाग लगा, क्या वो मिट जाएगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एचपीएससी को घेराव भी किया गया, विधानसभा का घेराव भी कर रहे हैं। आज मैं समझती हूँ हर वर्ग परेशान है और सरकार इस समय गठबंधन की सरकार जो है ठगबंधन लग रही है। इनका मजबूरी का एक ऐसा गठबंधन है, जो वायदे मैनिफेस्टो में किए थे उस पर इनका बिल्कुल भी कतई ध्यान नहीं है, लेकिन उसके अलावा लोगों को गुमराह करने के लिए कई कई नोटिफिकेशंस करते हैं। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी ऑटोनॉमी को लेकर पिछली बार हमारा कॉल अटेंशन लगा था, तो ईएम ने कहा था ना तो हमने कराया ना हम आगे करें। अभी 3 महीने भी नहीं बीते और उन्होंने दोबारा से जो है उसकी भर्ती को यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी पर अटैक करने का काम किया। तो इस तरह के तमाम मुद्दे रहेंगे जिनको हम विधानसभा में उठाएंगे और हम चाहते हैं सभी विपक्षी दल जो है एकजुट होकर, वैसे तो कांग्रेस ही एक विपक्षी दल है, एकजुट होकर हम सरकार को पूरी तरह से घेरने का काम करेंगे और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम सदन को कतई भी चलने नहीं देंगे। तो भाई एक माना जाए कि आज का जो विधानसभा सत्र होने वाला है काफी हंगामेदार होने वाला है और साथ ही साथ एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष जो है वो सिटिंग जज और साथ ही साथ सीबीआई की इंक्वायरी की मांग कर रहा है, उसको लेकर किस तरीके से अगली रणनीति तैयार की जाए? देखिए विपक्ष ने पूरी रणनीति तैयार की है, रणनीति अब सरकार को करनी है कि किस तरह से बचाव किया जाए, किस प्रकार से प्रदेश के हितों को बचाया जाए, किस प्रकार से बेरोजगार युवाओं को बचाया जाए, किस प्रकार से घोटाले और घपले जिनकी आपने एसआईटी खुद बनाकर आज तक उनकी रिपोर्ट नहीं दी है, किस प्रकार से आपने कहा था ऑक्सीजन की वजह से एक भी डेथ नहीं हुई इस पर कमेटी बनाए जाने की बात थी, कई मुद्दों पर प्रवेश कमेटी को आपने आज तक किसी का नतीजा तो निकल कर आया नहीं है। तो मैं समझती हूँ सरकार के बीच में और मंत्रियों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, केवल और केवल ये तो प्रचार तंत्र और नामकरण और दूसरी तरह की अपने हिडन एजेंडा को लागू करने में लगे हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से विधानसभा में अपनी मांगों को मजबूती से उठाएंगे और सरकार से मनवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस के विधायक गीता बुक्कल, जिन्होंने कहा कि विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है यदि गठबंधन की सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है। जिस तरीके से एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़ा जो है वो मुख्य रूप से इस समय मुख्य बिंदु बना हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर हमलावर बना रहेगा, तो इसका जो है बाकायदा बायकॉट भी किया जा सकता है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन। चलिए फतेहाबाद का रुख करेंगे, बड़ी खबर आ रही है फतेहाबाद से, जहां पर नौकरी में घोटाले को लेकर छात्र छात्राओं का यहां पर प्रदर्शन देखने को मिला है। सड़कों पर उतरे हैं छात्र, नौकरियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा है। नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने की वजह से अपना गुस्सा जाहिर किया। फतेहाबाद से बड़ी खबर, छात्र छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला, सड़कों पर उतरे हैं छात्र, नौकरियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अपना रोष व्यक्त किया है। सरकार के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें पारदर्शिता नहीं होने की वजह से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सड़कों पर उतरे हैं छात्र छात्राएं और आपको बता दें कि उन्होंने ज्ञापन भी डीसी को सौंपा है सरकार के नाम। तो फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, छात्र छात्राओं का प्रदर्शन देखने को मिला, सड़कों पर उतरे हैं छात्र। आपको बता दें कि नौकरियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया, सरकार के नाम डीसी को ज्ञापन भी सौंपा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ताजा तस्वीरें हैं जहां पर छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे हैं नौकरी में भ्रष्टाचार को लेकर, जो रोष है वो अपना दिखा रहे हैं, हाथों में पोस्टर लिए सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उतरे हैं। हमारा ये प्रोग्राम है जी, हरियाणा सरकार में जो पीछे जो नागर प्रकरण हुआ है और जितना भी रॉबिन नाम का जो कैंडिडेट है, जो हरियाणा सॉरी दिल्ली पुलिस का एक सिपाही है, उसने बहुत से पेपरों सैकड़ों पेपर्स आउट करवाए हैं और इन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का इतना लॉस किया है जितना हम आपको बता नहीं सकते। और इन सब के लिए आज हमने एक ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री महोदय के नाम और हम यहाँ पे फतेहाबाद में डीसी साहब को ये ज्ञापन सौंपेंगे ताकि हमारी जो आवाज़ है ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँच सके और उसके ऊपर वो विचार करें और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकालें ताकि उनकी जो बिना पर्ची बिना खर्ची वाली जो टैगलाइन है वो बहुत ही अच्छी चल पाए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।